इंदौर वाले तो मांगने में बड़े गजब होते, मूसा खेड़ी का चंगीलाल। हाँ, हमारा चेला रहता यहां मूसा खेड़ी में, चंगीला। एक बार उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, चंगीलाल की पत्नी मुन्नी बाई ने, दोनों ने तपस्या की। चंगीलाल के लिए तो ब्रह्मा जी प्रकट नहीं भाई, पर मुन्नी बाई के लिए प्रकट हो गए। मांग वरदान मुन्नी बाई मूसा खेड़ी की। मुन्नी बाई बोली, महाराज अब मांगने में बड़ी चतुर, इसको तीन चीजों की कमी थी मुन्नी बाई को। एक तो इसे दिखता नहीं था, एक दूसरा गरीबी बहुत थी, तीसरा बेटे को बेटा नहीं था, कोई पोता नहीं था। लेकिन भगवान ने कहा एक वरदान मिलेगा। अब इंदौर की मुन्नी बाई और तीनों चीजें चाहिए, वरदान एक मांगना है। इसने इतना गजब का वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी को हार्ट अटैक आ गया। पता है इसने क्या मांगा? हाथ जोड़ करके बोले, हे ब्रह्मा जी, मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरा में दूध फात खाते हुए देखूं, ऐसा वरदान दे दो। एक में ही पूरा खेल हो गया। आओ आओ, अपनी आंखों से मतलब आंखें चाहिए, सोने के कटोरे में मतलब धनवान बना दो, और पोता है नहीं, पोता को दूध भात खाता हुआ देखूं। बोलो जय बजरंगबली। भाई मांगना तो कोई इंदौर वालों से सीखे, इंदौर वाले बड़े गजब के होते हैं, बुद्धि के बहुत तेज होते हैं, इसलिए तो इंदौर वाले महान होते हैं। और होम ही क्यों ना, एक तरफ ओमकारेश्वर, दूसरी तरफ महाकालेश्वर,